हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में साथियों किसी भी बिंदु की स्थिति, जैसे हम गांव जाते हैं रास्ते में हमें बोर्ड लगे हुए मिलते हैं, वहां पे गांव किलोमीटर लिखा होता है, उस स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ से गाँव उतना दूर है। उसी प्रकार किसी बिंदु की स्थिति जिसे हम निर्देशांक कहते हैं, संख्या के रूप में होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 6 निर्देशांक होते हैं, उनके द्वारा दर्शाते हैं, उसको हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है साथियों, दो रेखाएं जो लंबवत एक दूसरे को काटती है, लंबवत यानी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री कोण बनाते हुए काटती है, इस प्रकार जो बनता है उसको कार्तीय निर्देशांक या आयतीय निर्देशांक हम के नाम से जानते हैं, या इसको हिंदी में कार्तीय निर्देशांक और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशांक का मतलब ये होता है जिससे कि अपने ये दो रेखाएं भाई एक दूसरे को लंबवत काट रही है, इससे अपने चार भाग बन गए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है साथियों, इसको हम मूल बिंदु के नाम से, ये जो भाग होता है इसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 ही माने जाते हैं। अब इसके इस मूल बिंदु के सापेक्ष में हमारे पास जैसे कोई पी बिंदु है, उसकी स्थिति हमें ज्ञात करनी है, तो हम इस प्रकार से देखते साथियों, इस प्रकार से इधर से इस प्रकार से यहां से नीचे की ओर आते हैं, ये एक्स का मान हो जाता है और इधर ये वाई का मान हो जाता है। ये जो एक्स का मान है इसको हम भुज के नाम से जानते हैं, इसको हम भुज कहते हैं और इसको हम कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट, इसको भुज को एब्सिसा के नाम से जानते हैं। अब इसमें यह आता है कि किसी भी स्थिति की, किसी भी बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, या उससे पहले ज्ञात करने से पहले ये चार भाग बने हैं, चार भागों में जो हम संख्या लिख रहे हैं वो किस रूप में होगा, उनका चिन्ह क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे जैसे चार भाग बन गए, ये चार भाग बनते हैं, बराबर बराबर भाग है, जैसे ये आपका x, ये ओ लिखते हैं x, x o y, y o x डैश, x o x डैश y डैश और o y डैश x, इस प्रकार से चार भाग बनते हैं। इनको हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, चतुर्थांश, ठीक है ना। इसको पहला कहते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है साथियों, अब इसमें जो बिंदु आएंगे उनके चिन्ह क्या होते हैं, देखिए साथियों, ये प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश जो है उसमें जो हमेशा ये जो बिंदु लिखे हैं वो हमेशा पहला बिंदु जो एक्स का है, एक्स का चिन्ह है, दूसरा वाई का है, ये हमेशा क्रमागत पहले एक्स का ही आएगा और फिर बाद में वाई का आएगा। ठीक है ना, इसमें यानी कि एक्स और वाई दोनों ही मान प्लस प्लस के होंगे। ठीक है साथियों, इसमें माइनस कॉमा प्लस, यानी कि एक्स का मान इसमें माइनस का होगा लेकिन वाई का मान हमेशा प्लस का होगा इस चतुर्थांश के अंदर। अब तीसरे की बात करते हैं, इसके अंदर माइनस कॉमा माइनस, इसमें एक्स और वाई दोनों ही हमेशा माइनस में ही होंगे। ठीक है साथियों, अब अपने पास चौथा आता है, इसमें प्लस और माइनस, ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि ये एक्स प्लस का है इसमें प्लस का मान आएगा और वाई का मान हमेशा माइनस में आया। ठीक है साथियों, हाँ तो साथियों अपना बात करते, ये तो हमने निर्देशांक के चिन्ह के बारे में बात कर ली, मूल बिंदु के बारे में बात कर ली, एक भुज के बारे में बात कर ली, कोटि के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक बिंदु है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे यहां से एक बिंदु इधर तक गया, यहां तक आया, तो जिसकी अगर हमें स्थिति पूछे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये वाई से जैसे कितना भी 5, 1 है, 2 है, इकाई आपका दिया हुआ है। ठीक है साथियों, अगर इसी प्रकार से एक और मैं जैसे बताता हूं, और इस प्रकार से आपका कोई बिंदु यहां दे रखा है यहां तक, तो यह स्थिति, इसमें भी आप इसकी दूरी
यानी x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी भी आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जैसे यहाँ 3 लिखा है, आप कहेंगे x से ये 3 तक आ रहा है x का और y का 1 है, तो इसका 3 और 1 निर्देशांक दूरी होगी। इसी प्रकार इसमें भी आसानी बड़ी आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार से दिया हो, ये जैसे कि इस प्रकार से कोई रेखा दे दी, दो बिंदु दे दिए, अब इसकी हमें आपको दूरी ज्ञात करनी है, तब आप किस प्रकार से इसको इस तरह से आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र की आवश्यकता होती है, वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। साथियों देखो, मैं जैसे आगे और लिखता हूं, जैसे मैं यहां से नीचे की ओर आ गया, ठीक है दोस्त, और यहां से भी मैं नीचे की ओर आ गया, लाइनें खींच, फिर यहां लिख दिया, ये P बिंदु है, ये X1 है, ये Y1, ये Q बिंदु है, X2, Y2, हमें इनके बीच की, इनकी बीच दूरी कितनी है वो ज्ञात करनी। ये तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र की आवश्यकता होती है। अगर इसको हम ज्ञात करते हैं, ये X1, X2 माइनस X1, ये Y2 माइनस Y1, ठीक है दोस्त, ये आपका इस प्रकार से हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय से भी निकलता है, उसी से हम देखते हैं अब इसको दूरी सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो दूरी सूत्र याद लिखता हूं मैं, दूरी सूत्र जो आपका होता अंडर दी रूट, नीचे लिख जाऊंगा यहां पे बराबर अंडर दी रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका दूरी सूत्र है जो आपको याद रखना है, ये इस और इसके बीच में ये X1 यानी P बिंदु का X जिसे भुज कहते हैं वो है, Y1 यानी कोटि, पहले बिंदु P बिंदु की कोटि है, और ये X2 Q बिंदु की भुज है, और Y2 Q बिंदु की कोटि है, जो संख्यात्मक रूप में अपने पास आएगी तब हम इस सूत्र के द्वारा अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों अब इसमें ये तो दूसरे सूत्र हो गया, अगर आपका यहां पर x बराबर 0 हो जाता है, इसका मतलब जो आपका बिंदु है वो हमेशा y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है सर, x 0 होते ही बिंदु हमेशा y अक्ष पे ही स्थित होगा, यानी इस अक्ष के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। अगर y बराबर 0 है आपके पास, तो जो बिंदु होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें, यानी कि y बराबर 0 हो गया, यानी बिंदु इस निर्देशांक की जो लाइन जा रही x अक्ष के ऊपर ही स्थित होगा, कहीं दूसरी जगह स्थित नहीं होगा। अगर आपके पास x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0 है, तब आपके पास ये जो बिंदु होंगे वो यहां पर स्थित होते हैं, और उसको हम मूल बिंदु के नाम से, मूल बिंदु के नाम से हम जानते हैं, ठीक है साथियों। हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर, जिसमें आपका पहला सवाल दिया है कि दिए गए आकृति से बिंदु P, Q, R, S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखे हैं, इसमें बिंदु आपका P, Q, R, S दे रखा है। अब हमें इसके निर्देशांक यानी भुज और कोटि, यानी x अक्ष का मान, y अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, x अक्ष का मान ही लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं P लिखा, फिर कोष्टक लगाएंगे, और फिर इस P से आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है दोस्तों, ये नीचे की तरफ आना है, ये कहां पे आके रुक रहा है, यहां देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी P का जो भुज है, x का मान है वो आपका 5 हो गया। इसी प्रकार y का मान हमें देखना है, तो y जो है P है, P से हम y की तरफ चलते हैं, यहां पर यानी यहां 1
दो, दो आया, दो के बाद ये तीन और यह चार, इन तीन की सीध तक आ रहा है, तो P का जो y x का मान है वो आपका इन कोटी या आपकी तीन हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार Q जो हम देखते हैं, Q लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, फिर हमें यहां x का मान पहले देखेंगे, तो ये x x, ये x x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश, ठीक है ना। ये x और y प्लस में होते हैं, x डैश y डैश माइनस में होते हैं, तो x का मान हम देखते देखिए सीधा ऊपर नीचे है माइनस के चार, ठीक है, और y का मान आपका छह, ये हो गया इसके निर्देशांक भुज और कोटि। इसी प्रकार अपना r का मान ज्ञात करते हैं, ये r है, r का x का मान पहले देखिए, तो देखिए आप माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, यानी माइनस तीन की सीट पे है, हम यहां पहले माइनस तीन लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं और r का मान सीधे सीधे y की तरफ चलते हैं, तो माइनस दो, यानी माइनस दो की तरफ है ये माइनस दो। मैंने आपको पहले चिन्ह भी बताए थे, इसमें आपका माइनस माइनस बताया था, तो देखिए दोनों चिन्ह आपकी जो संख्या है वो माइनस में आ गई, इसमें दोनों चिन्ह मैंने प्लस प्लस बताए, दोनों संख्या प्लस प्लस में आ गई। ठीक है दोस्तों, अब s, s की बात करते हैं, s में चलते हैं, देखिए x का मान जो है आपका यहाँ है, ये दो चार छह, यानी एक यहां से शुरू है, तो ये एक हो गया, x की कोटि एक छा भुज तो आपका एक है, ठीक है ना। कोटि हम याद करते हैं, यहां देखिए आपका माइनस चार माइनस पांच माइनस छह, तो यहां पे आपका हो गया माइनस का पांच। इस प्रकार से देखिए पहला इसमें है, पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु प्लस प्लस में, मैंने पहले आपको बताया था, फिर दूसरा क्यू है, इसमें मैंने आपको बताया था कि माइनस और प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में बताया था माइनस माइनस, तो इसमें देखिए दोनों ही आपका जो निर्देशांक है दोनों संख्याएं हैं माइनस में। चौथे में मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस, यानी पहला एक्स जो प्लस में है ये एक्स प्लस में है, और ये दूसरा वाई जो माइनस में है। हाँ तो साथियों, जो अपना सवाल दूसरा है कि निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदु को आलेखित कीजिए, पहले जो सवाल था उसमें हमें पढ़ना था, बिंदु के निर्देशांक याद करने थे, लेकिन अब यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं, उन्हें हमें इसमें ड्रॉ करना है, इसमें लगाना है। जैसे आपका पहला जो दिया हुआ है एक और दो, ठीक है ना साथियों, पहला हमेशा ध्यान रखिए, इसमें पहला जो निर्देशांक आता है साथियों वो हमेशा एक्स का ही होता है, दूसरा हमेशा ही वाई का होता है, इसी क्रम में चलते हैं हमेशा, इसलिए आप सबसे पहले जैसे ये वाला लेते हैं, इसका निर्देशांक एक्स का एक है और वाई का दो है, एक्स का एक है, यहां से हम क्या करते हैं जैसे ऊपर की ओर चलते हैं और वाई की तरफ से इधर से आते हैं, इसको मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है ना साथियों। उसके बाद आपको इस प्रकार से देखो, आप पहली बार बना रहे हैं इस प्रकार डॉट डॉट करके बना सकते हैं, दूसरी बार अगर आप बनाना सीख गए, आप सीधा लाइन इसमें दूसरा बिंदु बना के दिखाता हूं, ये माइनस एक, यानी एक्स का मान माइनस एक है, वाई का मान तीन है, एक्स का माइनस एक इधर है, यहां से हम ऊपर की ओर चलते हैं सीधा इधर, और वाई का मान तीन इधर, जहां पर अंदाज से यहां पर ये दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, जैसे ये बनाई ना प्रतिच्छेद होगी, यहां मिल आपको पहली बार बनाते हैं तब ऐसे करना है, दूसरी बार आप क्या करना है, इस सीट से आप ऊपर चलते जाइए, इधर से आइए जहां पे बिंदु बनता है वहां पे आप क्या करेंगे और निशान लगा देंगे और इसको बिंदु लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद आपका चौथा बिंदु है माइनस दो माइनस चार, माइनस दो यानी एक्स का मान माइनस दो है, ये माइनस दो एक्स का मान और वाई का मान माइनस चार, यहां से हम क्या करते सीधे सीधे नीचे की तरफ आते हैं और यहां चार की तरफ, देखिए चार मैं इसमें भी लाइन बना के दिखा रहा हूं आपको, ये चार और ये चार, ये माइनस दो माइनस चार, ये आपका पी क्यू आर बिंदु हो गया, ठीक है साथियों। इसके निर्देशांक जो हमें दे रखे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, यानी कि ये पी के निर्देशांक में यहाँ लिख भी देता हूं ताकि आपको भी ध्यान से समझ में आए, और क्यू के माइनस एक और तीन और आर के आपके माइनस दो माइनस चार, वैसे देखने से भी मालूम चल जाता है कि किसका निर्देशांक क्या है। उसके बाद आपका ये बिंदु लेते हैं तीन, एक्स का मान तीन है, ये एक्स का मान तीन है, वाई का मान माइनस दो, यहां से हम नीचे के आर की तरफ आएंगे और इधर और यहां दो से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना साथियों।
ये आपका बिंदु लगा दिया हमने, ये पी क्यू आर, इसको एस नाम दे देता हूं, 3 और -2, ठीक है। उसके बाद अपने पास ये बिंदु है, ये 4 बिंदु हो गए। अब अपने पास ये 2, यानी एक्स का मान 2 है, वाई का मान 0 है। एक्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स एक्स के ऊपर वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्स के ऊपर एक्स हमेशा 0 होता है। यह एक्स का मान 2 है, ये आपका एक्स का मान 2 यहां हो गया, लेकिन वाई का मान 0 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ वाई का मान यहाँ पे 0, यहां से हम सीधे चलते हैं, यहां पे ही आगे मिलेंगे एस, तो इसको हम टी नाम दे देते हैं और अपना हो गया 2, 0, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो निर्देशांक है 0 और 3, यानी एक्स का मान इसने 0 का है, वाई का मान 3 का है, वाई का मान 3 यहां पे है और एक्स वाई एक्स के ऊपर हमेशा एक्स 0 होता है, इसलिए आपका इसको नाम कुछ भी ए दे देते हैं आप, तो 0 और 3। इस प्रकार से ये आपके सारे सारे बिंदु का इसके ऊपर ड्रा हो गया। तो साथियों अपना अगला प्रश्न है तीसरा, कि आयतीय निर्देशांक अक्ष को लेते हुए बिंदु ओ के निर्देशांक 0 0, पी 3 0, आर 0 4 को आलेखित कीजिए, इसमें हमें बनाना है। यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक हमें ज्ञात करें। देखिए साथियों इसमें जो 3 बिंदु दे रखे हैं उनको हमें पहले ड्रा करने, आलेखित करने, इसमें लगाने हैं, बताने हैं, ठीक है साथियों। ओ 0 0 यानी कि ये मूल बिंदु है, यहाँ पे हमें ओ लिखना है, पहले से मैंने लिखा है और लिख देता हूं मैं, बड़ा ओ हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है साथियों। अब आपका पी बिंदु है, पी बिंदु जो है आपका, इसमें भुज यानी एक्स का मान 3 है, वाई का मान 0 है, यानी कि आप यहां से चलते हैं एक्स में, तो 1, 2 और 3, ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 आ गया और पी बिंदु हो गया है। उसके बाद आपका आर है, इसमें एक्स का मान 0 है और वाई का मान 4 है, हम यहां से चलते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है साथियों, ये आपका आर का बिंदु है। अब हमें इसने पूछा है इसे के ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एक आयत है तो क्यू के निर्देशांक में ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करना है, देखो अपने पास जिसे ये 4 है, इसको हम आगे इस तरफ आगे बढ़ाते हैं और हम इसको 3 की तरफ नीचे की तरफ खींचते हैं, तो यहां पे जहां मिलते हैं दोनों 3 और 4 जहां प्रतिच्छेद होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां हम क्यू लिखते हैं और इसके निर्देशांक राज्यों को बहुत सारे क्या होते हैं, यहां ड्रा कर देते हैं और छोड़ देते हैं, इससे अपने नंबर भी कट जाते हैं, क्योंकि इसने पूछा क्यू के निर्देशांक, बिंदु तो हमने बना दिए लेकिन क्यू के निर्देशांक निकालना भूल जाते हैं, तो अपने यहां पे इसको मिला दिया, क्यू लिख दिया। अब क्यू का एक्स का मान पहले लिखना, हमें क्या करना है, एक्स का मान हम पहले लिखेंगे, तो एक्स का मान आपका 3 है, ये 3 लिख दिया, कोमा वाई का मान, वाई का मान क्या है, 4 है, ये आपका 4 लिख दिया। इस प्रकार से देखो आपका एक आयत बना है, आयत में क्यू के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए। तो साथियों अपना जो अगला प्रश्न चौथा जो दिया हुआ है कि बिंदु -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। पहले तो हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को बनाना है ग्राफ के ऊपर, ये सारे सवाल जो हम कर रहे हैं वो ग्राफ पर आधारित है। पहला बिंदु आपका जो दे रखा, देखिए साथियों -1 और 0, एक्स का मान आपका -1, वाई का मान 0 है, तो यहाँ एक्स एक्स के ऊपर वाई हमेशा 0 होता है, यहाँ पे आपका ये बिंदु लग जाएगा, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर एस और टी, ठीक है ना, ये आपका पी बिंदु हो जाएगा, ठीक है साथियों। दूसरा बिंदु आपका दिया हुआ है 1 और 0, यानी एक्स का मान आपका 1 दे रखा, वाई का मान 0 दे रखा, यानी एक्स एक्स के ऊपर वाई 0 होता है, तो यहां पर ये 1 है और वाई का इधर से 0 है, ये आपका क्यू बिंदु हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद आपको तीसरा बिंदु है 1 1, क्या है 1 1, एक्स का मान भी 1 है, वाई का मान भी 1 है, तो आपका देखिए
ये बिंदु यहां आएगा, एक से ऊपर चलेंगे, इधर से भी इधर चलेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से ही मान आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास दूसरा बिंदु, ये जो ये आपका आर बिंदु हो गया, उसके बाद ये एस बिंदु है, इसमें आपको जीरो, एक्स का मान आपको जीरो दे रखा है, वाई का मान दो दे रखा है। एक्स का मान हमेशा जीरो यहां से होता है, ठीक है, वाई का मान दो आ रहा है, यहां आप दो लिख देंगे, ये एस हो गया आपका। उसके बाद आपका टी बिंदु, टी आपका माइनस एक और एक, यानी एक्स का मान माइनस एक है, यहां माइनस एक से ऊपर चलते हैं और ये एक इधर आते हैं, अपना बिंदु बन जाता है ये टी बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा है कि इन बिंदु को क्रम से मिलाने पर, यानी जहां से हमने बनाना चालू किया वहां से अगर हम मिलाते हैं तो इससे कौन सी आकृति बनती है, यही इसका आंसर है। वही चीज हम इसको इस प्रकार से मिलाते हैं, देखो दोस्तों ये मेरे मिलाया, इधर से मिलाया और फिर इसको इस बिंदु से मिलाया, इस प्रकार से देखो पांच भुजाओं वाला, पांच भुजा की आकृति बन गई, एक दो तीन चार और पांच, और पांच भुजा की जो आकृति होती है वो आपका पंचभुज, क्या होती है पंचभुज। आपको आंसर लिखना है यहां ग्राफ बिंदु दर्शाने के बाद, आपको यहां पे लिखना है पंचभुज, तभी आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। हाँ साथियों, अपना जो पांचवा सवाल है वो कहता है चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष निम्नलिखित हो, यानी कि शीर्ष एक दो तीन चार, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, अब कौन से चतुर्भुज बनते हैं वो हमें बताने हैं, ड्रा करने हैं। दो सवाल है, दोनों को हम करके देखते रहिए। पहला जो चतुर्भुज का पहला शीर्ष देगा एक और एक, यानी कि आपका भुज है, एक्स एक्स का मान वो एक है और वाई का भी आपका एक है, इस प्रकार से आपका, जैसे इसको मैंने पी नाम दिया, इसको क्यू दिया, इसको आर दिया और इसको एस दिया, ये आपका पी बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपको क्यू लेना है, क्यू का मान आपका एक्स का मान दो है, वाई का मान चार, यानी एक्स का दो यहां से हम ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों, और यहाँ चार की सीट से यहां, यहां चार की सीट से इधर की ओर चलते हैं अपन, तो यहां पर अपना बिंदु लगता है वो हम इस प्रकार से लगा देते हैं और इसको क्यू नाम दे देते हैं। उसके बाद अपना आर, यानी एक्स का मान आठ है, ये आठ, यानी एक्स का मान इधर आठ है, आठ से ये चार है ऊपर की ओर चलते हैं हम, ये आर से ऊपर की ओर चले और इधर से चार आया, ये इधर से चार की सीट पे देखिए आप चलते हैं आगे, तो आपका ये बिंदु बन जाता है और इसको हम नाम दे देते हैं आर। उसके बाद आपका एस है जो दस और एक, यानी एक्स का मान दस है, ये एक्स का मान दस है इधर और वाई का मान आपका इधर, देखिए ये इधर यहां से चलेगा एक्स, वाई का मान यहां आ गया, यहां लग गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब इनको मिलाना है, मैं इनको मिला देता हूं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखो करती हूं, अपने पास एक आकृति बन जाती है, देखिए ये बन गया, ये आपका समलंब, समलंब चतुर्भुज बन गया। कौन सी आकृति बन गई, ये आकृति बना के छोड़नी है, मैं नाम भी इसमें लिखना है कि कौन सी आकृति बन रही है। ये तो आपका पहला सवाल हो गया, अब इसमें दूसरा भी दे रखा है, उसको भी हम बना लेते हैं। इसमें इसमें दिया हुआ देखो, पहला जो अपना बिंदु दे रखा है वो माइनस दो और माइनस दो, यानी कि इधर से एक्स का मान भी माइनस दो लेना है, ये माइनस दो और इधर से भी आपका माइनस दो से इधर चलते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको अलग नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, अपने पास ए बिंदु हो गया, अब उसके बाद आपका बी बिंदु है माइनस चार और दो, यानी एक्स का मान माइनस चार है, यहां से एक्स का मान माइनस चार है, यहां से हम ऊपर की ओर चलते हैं तो दो से इधर की तरफ आते हैं, इधर से ये दो से इधर की तरफ आएंगे, अपना जो निशान मिल जाएगा ये आपका बी बिंदु हो गया। उसके बाद सी माइनस छह, यानी एक्स का मान माइनस छह ये, ठीक है, और वाई का मान माइनस दो, यानी कि यहां से हमें नीचे की ओर आना है, ठीक है, और इधर से ये एक्स की इधर की ओर आना है हमारे को, दोनों को मिला, ठीक है। उसके बाद अपना अंतिम बिंदु है जो है डी है, वो
माइनस चार और इसको नाम दे दिया माइनस चार एक्स का है यानी एक्स का माइनस चार ये और वाई का मान माइनस के छह। यहां से माइनस चार की सीध से अपन नीचे चलते हैं और जहां माइनस छह आता है यहां से देखिए आप एक लाइन भी खींच सकते हैं चाहे और तो और नहीं तो आप बिना सीख गए हैं बड़ी आसानी से के मिला के जहां लाइन कटती है वहां पे बिंदु लगा सकते हैं बी नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम इनको मिलाते हैं इस प्रकार से ठीक है दोस्तों ये बन गया ये आपका सम चतुर्भुज हो गया। कौन सी आकृति बन गई आपकी सम चतुर्भुज। यही चीज हमें लिखनी है केवल बना के नहीं छोड़ना है जो आकृति बनी उसका नाम हमें लिखना है और बताना कि ये सम चतुर्भुज है। हाँ तो साथियों अब हमारे पास सवाल जो आया है हमने दूरी सूत्र की पहले बात की थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले दूरी सूत्र याद होना चाहिए दूरी सूत्र बराबर अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ये आपका दूरी सूत्र ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आपको पहले किसको एक्स वन लेना है किसको वाई वन लेना है किसको एक्स टू लेना है आपका जो पहला बिंदु उसको एक्स का मान एक्स वन इसका वाई वन दूसरा बिंदु है उसको एक्स टू वाई टू इस प्रकार से आप मान लिख देंगे यानी कि अपना एक्स वन बराबर हो गया। जी पहला सवाल जो अपन करते हैं एक्स वन बराबर माइनस छ एक्स वाई एक्स टू आपका माइनस एक है देखिए यहाँ पे वाई वन जो आपका आपका सात है वाई टू आपका माइनस के पांच है। ठीक है दोस्तों इससे हमें सवाल को बड़ी आसानी से इस प्रकार से हमें लिख देना चाहिए। आप पहली पहली बार कर रहे हैं हर एक मान को आप आसानी से लिख देंगे। अब दूरी ज्ञात करते हैं इसको P नाम दे दिया बिंदु को इसको Q दे दिया यहाँ पे आपका PQ हो जाएगा क्योंकि PQ के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर द रूट यानी X2 यानी कि माइनस एक कोष्टक में ठीक है माइनस एक फिर माइनस सूत्र का या माइनस एक ठीक है एक्स वन भी आपका माइनस है माइनस छ ये माइनस छ लिख दिया ये कोष्टक लगा दिया बड़ा और इनका होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर हम क्या करते हैं वापस देखिए आपका वाई टू यानी माइनस के पांच फिर माइनस का सूत्र में माइनस है माइनस वाई वन यानी सात का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख दिया। अब बराबर अंडर द रूट अब देखिए हम इसको आगे हल करते हैं माइनस का एक ठीक है दोस्तों माइनस और माइनस गुणा के प्लस के छह बन जाते हैं और ये कोष्टक में आपका कोष्टक लग गया होल स्क्वायर लग गया प्लस सात पांच माइनस के है माइनस के बारह का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों बराबर अंडर द रूट आपका ये तो हो गया आपके पास पांच का स्क्वायर और ये हो गया आपके पास माइनस बारह के होल स्क्वायर पांच का वर्ग होता है आपका पच्चीस और बारह जो माइनस माइनस की कोई भी संख्या होती है उसका हम वर्ग करते हैं हमेशा प्लस में आते हैं बारह का वर्ग आपका 144 इसका मैंने कल एक वीडियो भी बताया था दिया अपलोड किया है कि इसके संख्या का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उससे आप बड़ी आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको जोड़ते हैं तो बराबर 169 आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों ये पांच चार चार पांच दो चार दो छ एक 169 बराबर आपके पास 13 हो गए यानी पी क्यू जो है आपकी दूरी क्या होगी 13 इकाई इकाई जो भी इनकी होती है वो इकाई हमें यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद ये साथियों ये जो प्रश्न नंबर दो है ये आपको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये आप करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर भेजे मैं आपको देख के बताऊंगा क्या है। उसके बाद हम साथियों क्या करते हैं वो तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या है देखिए साथियों इसमें आपका ये जो P और Q है दो बिंदु है ये X1 है ये Y1 है ये X2 है ये Y2 है। ठीक है दोस्तों अब हमें दूरी सूत्र लिखना है दूरी सूत्र
बराबर अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपका दूसरी सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहां पर जो आपका दे रखा है यानी एक्स टू ए टी टू का होल स्क्वायर पहले लिखा हुआ माइनस एक्स वन ए टी वन का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू यानी टू ए टी टू माइनस वाई वन टू ए टी वन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होल स्क्वायर हो गया। अब अपने पास देखिए क्या करते हम, यहां पर हम ये अंदर जो पहले से दे रखा है हम यहां से ए ए बार ले लेते हैं, यहां से मैंने ए बार ले लिया, ए स्क्वायर बार आ गया, अंदर टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां से मैंने क्या किया दो और ए बार ले लिया तो बाहर आया अपने पास दो ए स्क्वायर। ठीक है साथियों, क्यों कि दो बार अंदर से बार लेते हैं कि स्क्वायर बार आ रहा है तो अपने पास स्क्वायर आने का मतलब दो का स्क्वायर चार होता है और एक का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है तो अपने पास अंदर बच गया टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब इसमें देखिए आपके पास यहां एक सूत्र आपने देखा होगा बीजगणित के अंदर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र आपने जरूर देखा होगा, इसमें देखिए आपके पास अंदर टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इस सूत्र के आधार पर लिखता हूं ए स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं ए प्लस बी यानी पहले से स्क्वायर है ये, ठीक है ना, होल स्क्वायर लगा ही है तो टी टू माइनस टी वन प्लस, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया प्लस फोर ए टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। अब देखिए साथ ये तो इस सूत्र हिसाब से इसको लिखा लेकिन बाहर क्या है इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा यानी पूरे का होल स्क्वायर लगता है, इसका 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 दोनों का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जो कॉमन आता है उसको हमें बाहर लेना है, यहां से देखिए साथ ए स्क्वायर कॉमन का मतलब दोनों जगह जिसमें यहां पे भी है यहां पे भी है उसको हमें बाहर लेना है। ठीक है, अब यहां से देखो मैं यहां से मैंने ए को बाहर लिया क्योंकि वर्गमूल के अंदर है, ए स्क्वायर दोबारा आएगा ए रह जाएगा। अब टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, ये टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर पूरा का पूरा टी टू माइनस टी वन बाहर जाएगा, अंदर अपने पास क्या बच गया देखिए सर, यहाँ ए बाहर चला गया टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर बाहर चला गया, अपने पास क्या गया टी टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर प्लस चार, ये आपका आंसर हो गया। हाँ तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को लाइक एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और अब आपका बच्चों का लंच ब्रेक भी हो गया है इसलिए हम बाकी के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।